ये जी साइड लो ना ट्राइपॉड भी हो फूलकुंड अभियान के पहले रात में पत्थरबाजी हुई वैन पर और उसे हमने कंप्लेंट दर्ज की थी पुलिस स्टेशन में। प्रवीण दरेकर जी प्रसाद लाड हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पे FIR लॉन्च किए, मगर अभी तक किसी को अरेस्ट नहीं दिखाया गया है। तो हमारा यहाँ आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि ये किसी को अरेस्ट नहीं बताते, और इसके पीछे कौन सूत्रधार है वो भी पता चलना चाहिए कि पत्थर मारने वाले कौन, उनको मारने किसी ने लगाया। क्योंकि BJP की आवाज़ जितने भी आप चेंबूर में दबाने की कोशिश करोगे वो दबेंगे नहीं और उछल जाएगा। और इसी माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ आ रहे हैं यही जवाब मांगने की ये अरेस्ट कब होगी। त्या रथावर दगडफेक झाली आणि 19 पोलकोल अभियानाची सुरुवात होती ती प्रवीण दरेकरजी प्रसाद लाड यांच्या माध्यमातून झाली, पर इथे त्या अंतर्गत आम्ही इथे तक्रार देखील दाखल केली पोलीस स्टेशनला, परंतु 2 दिवस झाले अजून इथे कोणालाही अरेस्ट दाखवलेली नाही आहे। मुंबई पोलीस एवढे सक्षम आहेत की एक छोटा गुन्हा आहे जो दगडफेकीचा त्याच्या अंतर्गत त्यांनी कारवाई करायला हवी होती, परंतु हा राजकीय हस्तक्षेप असल्यामुळे कदाचित त्यांना अटक होत नाही आहे। त्याची आमची डिमांड आहे की या लवकरात लवकर आरोपींना इथे अरेस्ट व्हावी।